हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। सो गाइस, आज मैं कोई केक का वीडियो नहीं लेकर आई हूँ। आज मैं ये कुछ डेकोरेशन पार्ट का, इसको फंडेड से कैसे बनाते हैं। देखिए, ये वाला क्राउन आपने मार्केट में देखा होगा, ये इस तरीके से होता है। ये देखिए आप, ऐसा क्राउन बनता है। तो इसके साथ ये दो पार्ट आते हैं, एक छोटा क्राउन है, एक बड़ा क्राउन है। इसको बनाने के लिए बहुत से लोगों को दिक्कत आई थी, उन्होंने मुझे मैसेज किया, प्लीज आप इसका वीडियो अपलोड करें कि इसको कैसे सेट करना है, फाउंडेड से अगर इसको बनाए तो कैसे बनाना है। तो वही सब मैं आज के वीडियो में डिटेल में बताने वाली हूँ। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक किए बिना प्लीज मत जाना। सो गाइस, ये जो है ये प्लास्टिक का क्राउन कटर है, तो ये कटर आपको मार्केट में मिल जाएगा। इसके साथ ये एक पार्ट और होगा जिसमें छोटा क्राउन है। तो ये दोनों का एक सेट मिलेगा अराउंड 100-150 के इन बिटवीन आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। इस क्राउन को यूज करके मैंने ये क्राउन बना दिया है फंडेड का। मैं ये सब मैं आज के वीडियो में डिटेलिंग बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर हम, जैसे कि ये क्राउन जो है मैं गोल्डन कलर में रखने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने ब्राउन कलर का फंडेड यूज किया, बिकॉज ये जो क्राउन है मैं गोल्डन कलर में बनाने वाली हूँ, तो उसके लिए ब्राउन कलर यूज करूंगी, फिर उसके ऊपर गोल्डन कलर कर दूंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने गोल्डन फंडेड को अच्छे से नीट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम पहले जो हमारा फंडेड है उसको एकदम फ्लैट कर देंगे। देख सकते हैं यहाँ पर फंडेड को मैंने फ्लैट कर दिया और उसकी थिकनेस मैंने इतनी रखी। इसको आगे पीछे दोनों साइड से डस्टिंग कर लेंगे और अब हमारा ये जो कटर है उस कटर को अच्छे से प्रेस करके उसका जो उसको तो आप देख सकते हैं जैसे ये कट हुआ, ये जो फंडेड है वो अलग हो चुका है इस कटर से। बेलन लेना, अब इसको करना है इससे अलग। तो उसके लिए देखिए, ये वाले पार्ट है वैसे भी निकलने वाला है, तो अब बस यहाँ पर मैंने ये टूल लिया है और इससे इस तरीके से हल्का हल्का प्रेस कर रही हूँ ताकि ये इस कटर से अलग हो जाए। सो आप देख सकते हैं ये डिमोड हो गया। इसका ये जो कुछ पार्ट निकल गया, ये वैसे भी हमें बाद में भी निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम अलग कर देंगे। अब क्या करना है हमें एक ऐसी राउंड सरफेस लेनी है। आपको क्राउन कितना राउंड में चाहिए, तो मैं हमेशा जनरली क्राउन इसी साइज का रखती हूँ। तो ये जो क्राउन हमने कट किया है इसको इस राउंड बॉटल के ऊपर ये इस तरीके से आपको इस क्राउन को सेट कर देना है और इसको रखना है ओवरनाइट। इसको रात में ही मैंने बना के रख दिया है, तो अब ये कल सुबह तक अच्छे से इस तरीके का बन जाएगा। तो बस इसको रूम टेम्परेचर पर आपको रख देना है, पूरी रात ये अच्छे से सेट हो जाएगा। सूखने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। अगर आपका कोई ऑर्डर इमरजेंसी में है और उसी समय आप इसको करना चाहते हैं तो तब ये सेट बिल्कुल भी नहीं होगा। तो बेटर है एक रात पहले या करीबन 6 से 7 घंटे पहले इसको सेट करके रखे, उसके बाद ही आपको ये वाला लुक मिलेगा, अदरवाइज ये नहीं मिलेगा। सो गाइस, अब हमारा जो ये क्राउन है उसको हम पहले कर रहे हैं गोल्डन। सो गाइस, इसको गोल्डन पूरा अच्छे से कवर कर दिया है और ये सूख भी गया है, तो अब हम इसको इससे डीमोल्ड कर रहे हैं। अब इसके ये जो बीच के हैं फंडेड के, इनको हम हटा देंगे। सो गाइस, यहाँ पर हमारा जो क्राउन है वो ऑलमोस्ट रेडी है। अब जो इसको हटाने के बाद ये थोड़ा सा हमें यहाँ पर जो फंडेड का कलर दिख रहा है उसको भी कवर करने के लिए हम यहाँ पर गोल्डन डस्टिंग कर देंगे और फिर उसके बाद हमारा जो क्राउन है वो एकदम रेडी हो जाएगा। और थोड़ा सा उसको सूखने के लिए रखेंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। सो गाइज, ये था मेरा आज का वीडियो। इस क्राउन को मैंने केक के ऊपर कैसे डेकोरेट किया और केक कैसा था वो सब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना एंड चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।